बट दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट, नहीं ओनली फेवरेट वड़ा पाव। यहाँ पे बटर होता है, थोड़ा सा मसाला होता है, लहसुन की चटनी होती है, ये रेड चटनी, ग्रीन चटनी, जो ऑफ कोर्स इट्स प्योर देसी। सबसे अच्छा क्या बना लेते हो? उल्लू। कहते हैं कि खमन ढोकला जलेबी फाफड़ा खावा माटे आओ अहमदाबाद मा आपड़ा। हमारा भी मन हो गया तो हम भी चले आए अहमदाबाद खाना खाने। पर हमने सोचा कि जब अहमदाबाद खाना खाने जा ही रहे तो क्यों ना थोड़ा वातुना वड़ा भी थी जाए। આજે અમદાવાદમાં છેલ્લો દિવસ છે, થઈ જશે. શું થયું? વિકિરાનો વરઘોડો ભાગી ગયો. અરે આ તો ગજબ થઈ ગયો. ઓન ધીસ એપિસોડ ઓફ તેરી ગલી મેં વી આર ગોના એક્સપ્લોર ધ ગલીઝ ઓફ અમદાવાદ વિથ નન અધર ધેન ધ સુપરસ્ટાર ઓફ ધ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી મલ્હાર. થેન્ક યુ. લેટ્સ ગો. So first stop, क्या है? Is my school. This okay. is Navarang Shada. Okay. In English we say Navarang School. Yeah. So Navarang is the name of my school. Okay. जहाँ पे मैंने standard first से लेके 10th तक study किया. Wow. 10 साल मेरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजरी है. तो जो initial shaping हुई है वो सब यहाँ पे हुई है. जी. Were you a studious kid के मस्ती खोर थे? मस्ती खोर था, of course. यहाँ पे cultural activities बहुत होती थी, तो मुझे interest था cultural activities में. So I felt I could do cultural activities like dance, like songs, music. हाँ, बहुत सारे festivals होते थे जहाँ पे बहुत interest लोगों को पड़ता था. पर स्टूडियस तो नहीं था मैं इतना, बट या 60-70% ऑफ लाइक फर्स्ट क्लास टू डिस्टिंक्शंस तब तक आ जाता था और मेरे लिए वो ठीक था. आई एम हैप्पी आई कुड विन डांस कंपटीशन और गरबा कंपटीशन और मेरा 70% आते थे तो आई एम वेरी हैप्पी. तो बेसिकली ये वो स्टूडेंट थे कि पढ़ाई नहीं करते थे बट अचानक से मार्क्स आ जाते थे. हां, यस यस यस, आ जाते थे मार्क, आ जाते थे. और टिफिन में क्या बनता था तभी? टिफिन में के दूसरों का टिफिन खाते थे. बेटर बेटर, मेरे लिए वही बेटर था. समूह भोजन मतलब एक साथ लोग आते हैं, हाँ. खुद का खाना लेके आते हैं. वी शेयर ऑल द ब्रेक्स विद टुगेदर. तो हमारा एक ब्रेक होता था, वो आई थिंक 10 मिनट का 15 मिनट का होता था. उसमें सारे डब्बे खुलते थे और एक दूसरे के डब्बा खाते थे, तो वो चीज़ थी. तो वैसे सब कुछ खाते थे पर एगलेस एंड प्योर वेजिटेरियन. कोई साउथ इंडियन होता है तो साउथ इंडियन लेके आता है, कोई घर का कुछ 4-5 सब्जियां लेके आते हैं, कोई रोटी पराठा, बहुत सारी चीजें होती थी. बट लॉट ऑफ स्नैक्स ऑफ कोर्स, चवाणू, खमन, ढोकला, मुठिया, पात्रा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. और यहाँ पे तो प्योर वेजिटेरियन ज्यादा ही मिलते हैं ऑफ कोर्स. पर यहाँ पे आप खाते तो बहुत हो, ये समझ लिया मैंने. बनाते भी हो क्या? यस यस, बनाते भी हो? आई एम वेरी गुड कुक. Okay. I really love to serve the food. मजा भी आता है लोगों को खिलाने में. सबसे अच्छा क्या बना लेते हो? उल्लू. Good one. नहीं, सबसे अच्छा मैं खिचड़ी बनाता हूँ. Okay. और एक भिंडी की सब्जी बनाता हूँ जो बहुत फेमस है मेरी, और मैं ऐसे सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुआ हूँ वो वीडियो के साथ. School triggers a lot of memories. Hmm. किसी के लिए भी. Everyday prayer, everyday जनगण मन राष्ट्रगीत, everyday 3 times भारत माता की जय. But because it's a Gujarati medium, I studied till 12th in Gujarati medium only. So यहाँ पे सारी instruction गुजराती में ही लिखी जाती थी. No English. English was just a subject. It was not a trend at that time. अभी वो ट्रेंड है गुजराती. Of course हम तो बोलते ही, मैं तो गुजराती फिल्में भी करता हूँ, पर कहाँ कहीं भी instruction पढ़ोगे it will be 100% in Gujarati. That's the best thing of Navarang school. School se nikalne ke baad wo prayer wala continue kiya ki nahi? Kiya hai, thoda bahut kiya hai, but main jab 12th tak yahan pe tha, 12th ke baad jab Bombay gaya, abhi bhi main subah gurbani bhakti sangeet thoda bahut kar leta hu kyunki mujhe I feel good about it. I'm sure. How did Bombay change you? Iske baad mein wo ek cultural shock laga Bombay? Bahut sara laga. Bahut sare log naye naye milne lage. Pehchan wale log rehte hain, wo nahi milte hain. What do you feel about other people? Wo shayad wo thoda kam hai. Bahut zyada professional log hai. Wo thoda time lagta hai, par of course it was a college. I studied BMM in Malad. Thoda adjust ho gaya. Malad also being a very Gujarati locality. Yes, yes, yes. Did that help? Yeah, thoda bahut help kiya in terms of searching vegetarian food.
इन टर्म्स ऑफ डूइंग टिफिन्स, पर बंबई तो बंबई है, उसके अलग किस्से हैं। ओके, सो वड़ा पाव खाने जा रहे हैं, बंबई का वड़ा पाव, बट यहाँ पे थोड़ा अलग मिलता है। नहीं, बजरंग वड़ा पाव, नॉट बंबई का वड़ा पाव। ओके, बजरंग वड़ा पाव, लेट्स सी कौन सा बेटर है। मैं फुल जजमेंटल होने वाली हूँ, बट लेट्स, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे कम से कम 15-17 साल से वड़ा पाव खाता हूँ, मोर देन 70। तारा सिंह मजा मा सो आ रही ना, बैठा जी। तो ये हमारे तारा सिंह, बचपन से यही हमको वड़ा पाव खिलाते हैं। आप छोटे थे तब से यही खिलाता है। पहले सामने थे, अभी यहाँ खिला रहे। तो ये है यहाँ का वड़ा पाव गाइस। यहाँ पे चटनी बाहर मिलती है, हमारे के देते हैं। बटर वटर कुछ नहीं होता है यहाँ पे। बटर होता है, थोड़ा सा मसाला होता है, लहसुन की चटनी होती है, ये रेड चटनी, ग्रीन चटनी, जो ऑफ कोर्स इट्स प्योर देसी। ओके, यस, चलो लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई। गुड, इट इज गुड। ऑफ कोर्स मुंबई का वड़ा पाव बहुत अलग है, बट आप बाकी सब इनहिबिशंस बाजू में रख के खाओ ना इसको, सच्ची अच्छा लगता है। सो यहाँ के लोग जहाँ पे बम्बई का वड़ा पाव आता है तो उनको लगता है कि यार उसमें कुछ है ही नहीं वड़ा है, नहीं पाव, छोटा सा देके दे देते हैं। सो ये जो फील है वो बहुत सालों की है। वहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल वड़ा पाव नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। अभी भी चालू हुआ होगा 5-6 साल पहले। बाकी जनरली ऐसे ही वड़ा पाव मिलता है सारी जगह पे, बट दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट, नहीं ओनली फेवरेट वड़ा पाव। ओके, एंड इट इज रियली गुड। यस, सो यू ऑल शुड कम हियर, आप सबको आना चाहिए यहाँ पे जय बजरंग वड़ा पाव में, और गुजरात का वड़ा पाव खा के देखना चाहिए। प्लीज, और नहीं तो कॉन्टेक्ट मी, मैं लेके आ जाऊंगा। हाँ, वो भी कर सकते हो। बट जब आप मलाड में थे तब कितने साल थे मलाड में? पूरी कॉलेज, क्योंकि मलाड वेस्ट में कॉलेज थी, लॉर्ड्स। सो आई यूज्ड टू स्टे ऑन नर्सिंग लेन, महावीर नगर, दहिसर रोड, उसके बाद ओवरलैम। मलाड मुझे पूरा पता है, तो मलाड गांधीवली बोरीवली ऑफ कोर्स तीन एरिया में ही ज्यादातर रहा हूँ। बराबर, तो वहाँ पे हैंग आउट स्पॉट क्या थे, कहाँ पे गो टू प्लेसेस थे? वो जो पेट्रोल पंप के बाजू में डोसा मिलता है, और एक मलाड कॉलेज के बाहर एक पूरा खाऊ गली खड़ा रहता है, चाट ना वड़ा पाव, आई नो दिस, वो सारी, वो हैंग आउट प्लेस था हमारे लिए, तो वही बजट में आता था। सो एक्टिंग जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई चिल्ड्रन प्लेस से, जहाँ पे स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, तो वहाँ पे मुझे पता चल गया कि आई डोंट हैव एनी स्टेज फियर। वहाँ से स्टार्ट हुआ एक्टिंग का करियर, पर जैसे मेजरली पार्ट हुआ जो हुआ 11th स्टैंडर्ड से, यहाँ पे 12th तक स्कूल होता है, 11th 12th में जो आप प्ले करते हो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इधर लेवल पे जाते हैं। सो वहाँ पे किया, उसके बाद ऑफकोर्स आई वेंट टू बॉम्बे फॉर BMM। सो आई फिनिश BMM इन लॉर्ड्स मलाड, वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती थी, जैसे प्लेज, INT, IPTA, बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती थी। सो वहाँ पे मैंने छोटे रोल से स्टार्ट किया। So that was the actual acting journey, I could say. तो थिएटर बहुत मैसिवली किया है। बहुत सर्वाइवल, ब्रेड बटर पास्ता वड़ा पाव, वही था जो थिएटर पे था। और आई यूज्ड टू लव थिएटर, मुझे कभी भी कोई प्ले करने मिला तो मैं छोड़ता नहीं था, मैं चांस लेके कर ही ले। सो मैंने आई थिंक 2015-16 तक आई यूज्ड टू डू प्लेज, उसके बाद टाइम नहीं मिला, बट स्टिल आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर प्लेज अगेन। दिस इज अ नोशन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ट्रू, कि जब लोग प्ले कर रहे होते हैं ना, तब आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नाम की चीज होती नहीं है, बिकॉज बहुत मेहनत है, बहुत लर्निंग प्रोसेस है, एक्सपीरियंस बहुत है, बट पैसे है नहीं, तो तब लाइफ कैसी थी, एंड स्पेशली इन अ सिटी लाइक बॉम्बे? डिफिकल्ट था, पर आई नो दैट कि मैं ये छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोड़ना था नहीं। सो माई जर्नी इज फ्रॉम 4th लीड टू 3rd लीड टू 2nd लीड टू लीड। सो प्ले में भी मेरी वैसी जर्नी रही है। सो फिल्म में ऑफकोर्स छिल्लो दिवस वॉज अ ग्रेट हिट, एंड उसमें मुझे, मेरा रोल था वो सेकंड लीड था, तो लोगों तक जल्दी पहुंचा। छिल्लो दिवस, एंड एवरीवन लव्स इट, मतलब पीपल, आई एम नॉट अ गुजराती बट आई हैव वॉच्ड दैट फिल्म, यस थैंक यू, एंड इट इज वेरी फन, ऐसा मस्त कॉलेज के लोग, बहुत चिल हो रहा है, एंड यू कैन आल्सो रिलेट टू द फिल्म। हाउ डिड यू गेट इट? मेरा ऑडिशन हुआ, फिर दूसरा ऑडिशन हुआ, फिर रीडिंग स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया कि यार, देन अगेन आई गॉट अ कॉल आफ्टर 5 डेज और 7 डेज कि भाई तुम्हारा कास्टिंग थई गयो छे तो तुम आओ मळवा माटे। ठीक है चलो यार, देन आई केम अगेन टू अहमदाबाद, देन आई वेंट टू मेट द डायरेक्टर, उसके बाद धीरे 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 मीटिंग स्टार्ट हुआ, रीडिंग स्टार्ट हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स 3rd ऑडिशन आई क्रॉस्ड, एंड रेस्ट इज द थिंग्स, रेस्ट इज व्हाट एवरीवन थिंक्स। यस, स्पेसिफिकली टेक ए मारी माटे कॉफी मंगाई।
I just wanted to say this. Yes, very famous. Very famous. उसके बाद में ऐसे random लोगों ने कभी आके आपको बोला है? और मैं कॉफी पीता हूँ, मैं चाय पीता नहीं हूँ, तो मेरे को तो बहुत लोगों ने सुना है। अच्छा, वो सीन में मैं नहीं था, बाकी तो अभी तक मैं वही बोल रहा होता कि क्यों नहीं। But otherwise, उस फिल्म के बाद में people must have started recognizing you. Yes. And then when did you come to know कि बस अब famous हो गए हैं? Friday 20th November 2015 Chilo Divas released. Okay. उसके बाद from 27th November Tamasha got released. I wanted to see Tamasha. I went on 28th on Saturday. लोगों ने पकड़ लिया ऐसा PVR में, क्या हो रहा है यार, मलार भाई तुम्हारी पिक्चर आम से ऐसा ऐसा यार, ये भाई हो क्या रहा है उस टाइम पे। सेल्फी वॉज नॉट द मार्केट इन 2015, ऑटोग्राफ था, लोगों को मिलाने का था, हमने आपकी ये फिल्म देखा, ये फिल्म तो ऐसा किया है, वो किया है। सो एट द टाइम आई कुडंट डाइजेस्ट कि यार ये मेरे साथ हो रहा है, लोगों तक बात पहुंच रही है, क्या हो क्या रहा है। पर पहली बार मेरे साथ ऐसा बाउंसर आया तो मुझे लगा कि ये कुछ क्या है, हम लोग कैसा मतलब क्या कर रहे हैं। पहली बार से गाड़ी लेने आती है तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि प्ले में तो क्या है कि तुम ऐसे ही अगर घाटकोपर शो रहता है तो बरेली से आप जर्नी करके घाटकोपर जाओ विदाउट मेट्रो, तो बड़ी लंबी जर्नी थी। पर तभी ऐसे लगा कि शायद जो फ्रीडम है कि एक नॉर्मल आदमी जाके कुछ भी कर सकता है वो शायद चला जाए, वैसे कभी लगा? वो तो ऑफ कोर्स यार वो पार्ट ऑफ अ गेम है, पर वो तो लगने ही वाला है और लगा भी था। तो फिर उसके 2-3 साल बाद ऐसा मैं बोलता था कि जहाँ पे मैं हर रोज जाता हूँ वहाँ पे मुझे कभी कभी जाने मिल रहा है, और कभी कभी जाता हूँ वहाँ पे हर रोज जाने मिल रहा है। बट अगर आपको चांस मिले कि एक चीज ऐसे कोई कर लो जो आप पहले करते थे अभी नहीं कर पा रहे हो, क्या होगी? पहले करता था मैं 2-व्हीलर पे ज्यादा घूमता था, वो हो सकता है, और वॉलीबॉल की बहुत सारी गेम्स खेलता था, वो दोनों मैं मिस कर रहा हूँ। इनमें से एक ख्वाहिश तो हम आज पूरी कर सकते हैं जी। हम 2-व्हीलर पे आपको लेके जा सकते हैं, इफ यू वुड लाइक टू। यस, आई वुड लव टू राइड। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट लोकेशन। आइसक्रीम? यस, सो इट्स अ क्लासिक देरानी जेठानी आइसक्रीम। लॉट ऑफ इयर्स, लाइक मैं भी बहुत छोटा था, पर बहुत ओल्ड पैटर्न से यहाँ पे आइसक्रीम बनता है, जहाँ पे उसको गुजराती में बोलते हैं संचानो आइसक्रीम। ये पूरा लिस्ट है फ्लेवर्स का, जो रोज, केसर, जिंजर, वरियाली, कोकोनट, चॉकलेट, वो कमर्शियल आइसक्रीम नहीं है, इट्स लाइक प्योर, जो दोज हु लव आइसक्रीम उनके लिए ये बेस्ट फ्लेवर्स है। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा? मेरा फेवरेट फ्लेवर है रोज आलमंड। रोज आलमंड, यस, दैट्स माय फेवरेट। I'll also try that today. चलो, please, चलो, done. Let's order. Done. एक रोज। रोज पेटल्स खा रहे हैं ऐसा लग रहा है। I'm having the biryani. Soft. Flood. ठंडा की याद आ गई होली के दिन पाली। Flood, that reminds me, another performance with the dazzling Madhuri Dixit. Oh my God, yes. How was that experience? I immediately said yes to the project. Like I just heard like Gajraj Rao, Madhuri Dixit are there in the film, and Anand Diwar is going to be directed by. So मुझे लगा कि यार ये तो कमाल का ही प्रोजेक्ट रहने वाला है, जस्ट डू इट। आनंद तिवारी ओनली कॉल्ड मी फॉर द प्रोजेक्ट, सो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। सो आई जस्ट सेड यस टू द प्रोजेक्ट, और माधुरी दीक्षित के साथ एक सीन भी है मुझे, अरे तो फिर ये छोड़ना ही नहीं है मुझे। आई डिडंट आस्क फॉर मनी, आई डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग, जस्ट सेड यस टू मजामा। So there are certain characters जो main characters नहीं रहते but फिर भी दिमाग में रह जाते। That was one of those characters. Yes, you know? yes. How was the entire experience? You won't believe, first day, first shot was with Madhuri Dixit. Oh! I'm coming in the room और मैं पूछता हूँ कि शादी वादी का चिंता मत करना, सब सेट हो जाएगा। और मैं ऐसे दिखती है, ऐसे एक लुक है, बोला अरे नहीं, एक मिनट, जल्दी जल्दी, सॉरी कुछ गलत बोल दिया। सो कहीं नहीं, बीइंग द कैरेक्टर, फाइन, बोला ओके ठीक है। सो वो थोड़ा रहता है, यहाँ पे बहुत सारी फिल्म करता है, पर वहाँ पे वो एक अलग जगह है, अलग वर्ल्ड है। इंटेलिजेंट बातें बहुत हुई वो सेट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस थे, तो एक वो कॉफ़ी शेयर करते 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 लोग कोई भी बात पर चढ़ जाता, और उनके लिए गुजरात बहुत नजदीक था, मेरे घर से खाना जाता था लोगों के लिए। Oh, wow. So that was a great thing. क्या क्या बन के जाता था? पूरे गुजराती थाली, गुजराती रोटी, सब्जी, दाल, पराठा, उसके बाद वो फरसान आता था, खमन, ढोकला, बहुत सारी चीजें, पूरे 2 बड़े से टिफिन में लेके जाता था सेट पे, और लोग गुजराती खाना एंजॉय करते थे। That is the माहौल which everyone loves on the sets, right? Correct. और गुजरात में तो स्पेशली बहुत। तो फिर अब आज क्या लेके आए हमारे?
आज हमने वड़ा पाव खाया है तो फिर ठीक अभी आइसक्रीम ट्रीट है मेरे लिए, मेरे तरफ से तो आप खा सकते हैं। आई हैव अ दमशराज फॉर यू। ओके, बट दिस इज नॉट योर नॉर्मल मूवीज का या फिर गानों का दमशराज, ये है गुजराती खानों का दमशराज। ओके, सो यू हैव टू एनएक्ट दोस गुजराती डिशेस एंड आई हैव टू गेस। ओके, लेट्स स्टार्ट वन वर्ड। ओके, थ्री, पांच, आराम, थकान, थक, थ, थेपला। यस, ओके ओके। Next. So next is yes. One word. Three. Okay. खा, खमंड, खा से है भाई सलमान। कौन है सलमान भाई? सलमान खान, खान, खा, रन, खा, रन हिंदी भाग, दौड़ना, दौड़, खान दौड़, क्या है ये? दो, टू, विक्ट्री, मैं उल्टा हो रहा हूँ, उल्टा, उल, ऊ, उंदियो। यस, गुड, आई एम गुड। यस, लास्ट वन इज खाना, खा, ख, ख, come on. Yes. Nice one. Yes. That makes a good team, guys. Good team, yes. How much have you traveled personally? बहुत सारी जगह पे, US, ऑस्ट्रेलिया तीन बार, दुबई, मस्कत, नैरोबी, यूरोप, ऑफ कोर्स आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। इंडिया कम हुआ है, बट या पर हुआ है बहुत। कहाँ जाना सबसे अच्छा लगता है, व्हिच इज योर मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन? इन इंडिया आई वुड लव टू एक्सप्लोर वाराणसी एंड बनारस, आई हैवंट एक्सप्लोर्ड येट। But it's beautiful, people are saying. In Gujarat, I would love to go to Kutch and Gir. साल में एक बार मैं अमृतसर जाता हूँ। Okay. Since 5 years, I'm going there. So अमृतसर is my place where I can like live my life. अगर मेरा सब कुछ वहाँ पे काम होता है तो मैं गुजरात कभी ना भी आऊँ। लोग, उनकी लोकालिटी, उनके नेचर, लोगों के एटीट्यूड, बेसिक फूड, कल्चर, द स्पिरिचुअल वाइब, everything I love about Golden Temple and Amritsar, of course. That is true. The spiritual vibe of that city super, is unmatchable. कहीं नहीं होता। कहीं नहीं होता। What kind of a traveler are you? Solo travel पसंद है? Yeah, बहुत। Yeah? I love solo travel. और मैं mostly अकेला ही घूमता हूँ। बहुत कम लोगों के साथ घूमता हूँ। मैं अपने खुद के साथ बात कर सकता हूँ जब मैं अकेला घूमता हूँ तो, बस वो चीज़ है। Do you have a crazy solo travel story? Because everybody does. I went to Amsterdam and the weed is legal. आई एम नॉट अ वीट पर्सन, नॉट इवन स्मोकर। सो मेरे लिए बहुत एक जोन था कि एक क्या हो रहा है, मतलब एक डेंजर एक्सपीरियंस था, नॉट डेंजर बट ऐसा लग रहा था कि कहाँ पे आ गया मैं। साइकिल लेके घूम रहा था, एक गली में घुस गया बस। तो उसमें भीड़ चल रही है, लोग ऐसा रोड पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं, मतलब लग रहा है कुछ अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। देट वॉज द थिंग। और मैं एक्चुअली वन वे में था तो देट वॉज मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था कि मुझे बाहर निकलने देंगे कि नहीं निकलने देंगे। और आई वॉन्टेड टू ट्रैवल वेयर आई कुडंट फाइंड एनी इंडियन और गुजराती। सो वहाँ पर मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तो एम्स्टरडेम वॉज लिटिल स्केप्टिकल अबाउट कि वो कैसा लगेगा, कैसा होगा, बट देट वॉज अ थिंग, वहाँ पर मज़ा आया। एक बार आपको इंडियंस ना मिले कोई जगह पे, कोई जगह नहीं है जहाँ गुजराती नहीं मिले। एक तो मिल ही जाता है। एक तो मिल ही जाता है और फिर आपको ऑफर भी करता है थेपला। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। घर पे आओ खाना खाओ, घर पे आओ खाना खाओ, ऐसे कभी हुआ है? बट एक्चुअली हुआ है, हुआ है। यूएस में हुआ था। आई वॉज रोमिंग अराउंड इन न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक कपल मिल गया, बोले हमें अभी 2 साल पहले ही शिफ्ट हुआ है, बोले चलो चलो घर, हमें न्यूयॉर्क रह गया चाहे हम तक, बोले नहीं नहीं यार घर छोड़ के इधर आए तो इधर थोड़ा रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। Yes. That's the love of the people and absolutely getting back to normal life, because ये सब वही कर रहे हैं जो what you used to do in your childhood. Yes. जाएंगे two wheeler पे, जाएंगे two wheeler पे और जाएंगे एक favorite और special place पे। So yeah, this is the place. We are 4 friends. Okay. We made this place named Auroville, जहाँ पे Italian, Mexican, Punjabi, coffee सारी चीज़ें मिलती हैं, मॉकटेल्स, बेवरेजेस। सो यहाँ पे जो शाम को घूमने का मज़ा आता है अहमदाबाद गुजरात में, सो लोग शाम को आते हैं, 12 बजे तक बैठते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द प्लेस। ओके, लेट्स इट। या वेरी रिफ्रेशिंग। यस, एट द एंड ऑफ अ हॉट डे इफ देयर इज समथिंग दैट यू नीड, it's very hot in Ahmedabad.
crazy. It is very hot, guys. It is like really hot. Yes. I've also heard you've started an NGO. What is that about? NGO, I started in COVID because I wanted to help a lot of people. I have already helped in my savings more than 10 lakh rupees. Then it started with people, a lot of things have been joined after that. So, वो लोगों तक बात पहुंची कि ये, you know, एक NGO है, वो help करती है लोगों की. तो मुझे लगा कि ये अच्छी बात है हमारे लिए कि लोगों तक ये भी बात पहुंच रही है कि हम काम भी कर रहे हैं और help भी कर रहे हैं. So, I wanted to help a lot of people in a systematic way, so I started NGO. Doing great work, giving back to the society, because at the end of the day, I think that's what we all live for. Absolutely. Talking about society, society is also asking one question. Aap kab bar ghodi chad rahe? See, there is no plan yet. You don't know. I am in love with Parinidhi Chopra. Oh. But now she is... Unfortunately, she is gone. So now let's see what happens next. So hopefully, ab aage de aage dekhte hai, hota hai kya. But abhi to hum single hai aur enjoy kar rahe hai. But kabhi to kisi ki dhun lagi hogi. कभी तो किसी की धुन लगी थी. इट वॉज इन बिटवीन 2013 टू 16 एंड हाफ, 3.5 ईयर्स, देन ऑफ कोर्स उसके बाद नहीं लगी. सो ऑल द गर्ल्स आउट देयर, वन एलिजिबल बैचलर येट हियर, कीप योर आईज ओपन. आप यहाँ पे आओ, आपको मिल जाएंगे एंड देन यू कैन कैरी इट ऑन, टेक इट फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली, यू आर वेलकम. बट जाने से पहले एक गाना हो जाए. हूं मने शोध्या करू पण हूं तने पाम्या करू, तू लईने आवे लागणीनो मिलो रे, साथ तू लावी मजलनो सार, तू मारी गजलनो, तू अधूरी वार्तानो छेड़ो रे. मिठड़िया सजा छे दर्दोनी मजा छे, तारो विरह पण लागे वालो रे. वालम आवो ने आवो ने, वालम आवो ने आवो ने, मांडी छे लवनी भवाई, होता थैया थैया ता थैया थै. That was so good. So on that sweet note, I think we're going to end today's episode of Tere Gali Mein here at Auroville. By the way, you must check this place out, especially when the lights go down, because that is when this place lights up. Thank you. This is it from our episode of Tere Gali Mein with none other than the superstar of Gujarat. We have here with us Malhar Thakkar. Yeah. And we'll be back with another episode. Till then, y'all enjoy. Thank you.